दादा तो भेज दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे पीर, नारे पीर। अग्या का वठी वा कुरानी भई हथ मथे कर दो भेज दस्तगीर। वाह सुभान अल्लाह। سامن عزیز شام اللہ کیا عرض کر رہا تھا سیدنا خضر علیہ السلام واہ 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 ماشاءاللہ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا चलो वो हो गया आगे चलते हैं आगे चलते वो सैयदी आला हजरत ने कमाल की बात की है ना वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा वाह क्या मर आपकी यकसुई चाहता हूँ तवज्जो चाहता हूँ मगरिब की फिक्र नहीं करनी मगरिब के एक घंटा 18 मिनट होता है टाइम इंशाल्लाह आधे घंटे बाद मगरिब पढ़ लेंगे फिर शुरू कर देंगे फिर शाह पढ़ लेंगे वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला लफ्ज़े तेरा पूरे इज्तिमा में मुझे आवाज आनी चाहिए स्टेज वाले भी वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मन हैं आंखें वो है तलवार जो वली कबील थे बाद हुए या होंगे आए आए वाह जो वली जो वली जो वली सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा मजरे चिश्तों बुखारा इराको अजीमें मजरे चिश्तों बुखारा इराको किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा सूरज गिलो सूरज गिलो सूरज गिलो चमकती थी चमक कर डूबे उफके नूर है मेहर हमेशा
तवज्जो है कोई नहीं। तू है नौशाह, तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार। तू है नौशाह, तू है नौशाह, तू है नौशाह बराती है ये सारा फसल समन बूंद के सेहरा तेरा। आला आला फरमाते हैं, थोड़े थोड़े इसको कम कर। आला फरमाते हैं, तू है नौशा, तू है नौशा, तू विलायत का वो दूल्हा है कि सारी कायनात तेरी बराती है। तू है नौशा बराती है ये सारा गुलजार। तवज्जो है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, तवज्जो करना। आला हज़रत फरमाते तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार। लाई है फसल समन गूंद के सेहरा तेरा। उठाइए जरा इमाम शतरूफी को, बहजतुल असरार को, और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तर्दुल अफाई रहमहाद गफार रिफाई 28वीं जिल्द को, हजरत सैयद शरीफ इमाम अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि जब गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुतुबियत कुबरा के मकाम पे फाइज किए जाने का वक्त आया तो ये विलायत का दूल्हा इस अजीम हस्ती के लिए जब स्टेज सजाया गया, नौशाह बनाया गया, दूल्हा बनाया गया, तो बराती कौन थे? फरमाया गरीब नवाज भी बरातियों में हैं, शहनशाह नक्शबंद भी बरातियों में हैं, शहनशाह सुहरावर्द भी बरातियों में हैं, और इमाम करखी भी हैं, इमाम जुनैद बगदादी भी हैं, अबू सईद खुदरी भी हैं, अबू बकर शिबली भी हैं, अबू सईद खिराज भी हैं। फरमाया जितने पहले दुनिया से चले गए उनकी अरवाह भी नहीं, जो मौजूद हैं वो खुद आए और तमाम फरिश्ते जमीन से लेकर आसमान तक सब सब अपने पर बांध के खड़े हैं, और जनाबे वाला तमाम नुजबा भी, नुकबा भी, शुरफा भी, उजमा भी, कुबरा भी, और ताते अरबा भी, बुदलाए सबा भी, अब्दाले सबी सारे सब बना के खड़े हैं, और मुस्तफा करीम ने हजरत गौसुल आजम को वो नूरानी खिलअत पहनाई जो कुतुबियत कुबरा के मकाम पे फैज के लिए भेजी गई। फरमाया जब गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला को यूं दूल्हा बनाया गया तो फरमाया जो वली दुनिया से चले गए उनकी अरवाह आई, जो मौजूद थे सारे आए, और जब बड़े सारे मिंबर गौसुल आजम ने फरमाया कदम ही हाजी अला रकबते कुल वली अल्लाह, हजरत अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कायनात में कोई एक वली भी ऐसा नहीं जिसने गर्दन न दुखाई। वाह वाह दादा तो फैतस्तगीर, वाह सही बात, सुभान अल्लाह। खलीफतुल अकबर फरमाते मैंने ख्वाब में रसूलल्लाह का दीदार किया, मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह, ये गौसुल आजम ने जो कदम ही हाजी ला रकबते कुल वली अल्लाह का दावा किया है, आप क्या फरमाते? फरमाया क्यों ना करे, वो मेरा नायब जो है, मेरा दात है, मेरी सरपरस्ती में है। और फिर जनाब जुनैद बगदादी जैसे अल्लाह के वली तरगीबुल खातिर पढ़िए, उन्होंने अपने दौर में फरमाया था कि पांचवी सदी में आरफान का बादशाह पैदा होगा, अब्दुल कादिर जिलानी नाम होगा, वो बरसरे मिंबर फरमाएगा कदम ही हाजी ही अला रकबते कुल वली। वाह वाह सुभान अल्लाह, मैं तमत कर दो सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तमत कर दो दस्तगीर। सोचने की बात यह है कि कदम ही हाजी अला रकबते कुल वली अल्लाह, गौस पाक ने फरमाया इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बेस और बुनियाद क्या है, उठाइए जरा शेख रशीद बिन जुनैदी की हिर्ज़ुल आशिकीन और अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली की तफरीहुल हातिर उठाइए, और सैयद आले हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की फतावा रज़िए शरीफ के 28वीं जिल्द का पूरा रिसाला फतावा करामात गौसिया उठाइए। जब मेरे करीम नबी बुराक पे सवार होने लगे मेराज की रात,
तो रूह गौश हाजिर होती है। अर्ज करती है, या नबी अल्लाह मेरे गर्दन पे पांव रखिए। तो मुस्तफा ने गौश पाक की गर्दन पे पांव रखा और उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, कदम ही अला रकबते का व कदम का अला रकबते कुल औलिया अल्लाह तआला। हे अब्दुल कादिर, मेरा पांव तेरी गर्दन पे और तेरा पांव हर वली की। हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे पीर, भैया तमाशे करता है तस्वीर। वाह वाह साहब, आज हमसे सवाल करते हैं, कदमी अला रकबते कुल वलीउल्लाह, इसकी बेस और बुनियाद क्या है? मैंने कहा इसकी बेस और बुनियाद खुद मुस्तफा ने फरमा की है। और सैयद याद हजरत फरमाते हैं, इस झंझट में ना पड़ना, इस लफड़े में ना पड़ना कि गौस पाक तो बहुत बाद में आए, रूहे गौस वहां कैसे पहुंच गई। आला हजरत फरमाते हैं, तू अगर बहकी शरीफ पढ़, तू अगर इब्ने असाकिर पढ़, तू अगर मुसरद अबू याला पढ़, इब्ने जरीर पढ़, इब्ने मर्दवे पढ़, सबके अंदर ये हवाला मौजूद है। अभी सैयद खुदरी लावी है, मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात बैतुल मामूर में तशरीफ ले गया ना, तो मैंने पूरी उम्मत को बैतुल मामूर के पास मुलाहिजा फरमाया, मेरी कुछ उम्मत मैले कुचैले कपड़ों में मौजूद है, कुछ उजले कपड़ों में मौजूद है, मैली कुचैली उम्मत बाहर खड़ी हो गई और जो उजले कपड़ों में थे उन्होंने बैतुल मामूर के अंदर आके मेरे पीछे नमाज पढ़ी। आला हजरत फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जनानी वलियों के इमाम को बाहर पहले कपड़ों में तलाश न कर, वो पहली सफ में मुस्तफा के पीछे खड़े हो खड़े हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे आलम रूहानियत से ताल्लुक वास्ता ही नहीं है उसको ये बातें समझ नहीं आती। समझ आइए, इन बातों को समझने के लिए इस आस्थाने पे आना पड़ता है, अकल की फहम की खैरात लेना पड़ती है। अल्लाह तो सामने नजीद शान, ये है मेरे गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह अब मैं आपकी खिदमत में, क्योंकि मगरिब का टाइम भी करीब होने लगा है, आखिर में सीरत और किरदार के हवाले से चंद पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हजरत गौसुल आजम वो अजीम हस्ती है, वो अजमत और शान वाली हस्ती है, जो जिनके दादा भी अल्लाह के वली, जिनके जनाबे वाला दादी भी अल्लाह की वलिया, नाना भी अल्लाह का वली, नानी भी अल्लाह की वलिया, और जिन्होंने अपने माँ के पेट में छतरा पारे हिफ्ज भी कर लिए, दुनिया में आए तो 7 साल में, 7 साल के अंदर हिफ्ज कंप्लीट भी कर लिया, 18 साल की उम्र में घर छोड़ के जामे निजामिया मदरसे में भी गए, उस दौर के मुरब्बा उलूम 9 साल वो भी पढ़े, इल्मे तसव्वुफ 2 साल अलग पढ़ा, फिर 25 साल रियासतें भी, फिर आके जामे निजामी के दारुल इफ्ता मसनद तदरीस पे बैठ के 33 साल आपने तदरीस भी फरमाई और चारों फिका चारों मजाहिब के मुताबिक फतवा भी जारी किया। और फिर वाज़ो नसीहत भी किया, मुस्तफा ने खुद आके खाम में फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, लोगों को वाज़ो नसीहत किया कर, या नबी अल्लाह मैं अजमी हूँ, इनको कैसे वाज़ो नसीहत करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया जुबान खोल, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जुबान खोली, मेरे नबी ने 7 मरतबा लुआब, फिर मौला अली आए 6 मरतबा लुआब। अब बात जरा सुनना, उम्दतुल मुताखरीन मुफस्सरीन के इमाम अल्लामा आलूसी बगदादी साहब तफसीरुल मानी 22वीं जिल्द सफा 51 पे लिखते हैं, कहते हैं जब मुस्तफा ने 7 दफा लुआब अता फरमा दिया तो फिर मौला अली के 6 मरतबा लुआब की जरूरत क्यों पेश आई। फरमाया कुरान पढ़ते हो, हुजूर पढ़ते हैं, फरमाया कुरान के फैजान में कोई कमी है, कहा नहीं, तो फिर कहा तफसीर की एहतियाजी क्यों होती है। हदीसें पढ़ते हो, पढ़ते हैं, हदीस के फैजान में कमी है, नहीं, तो फिर शुरुआत क्यों पढ़ते हो। फरमाया कुरान का फैजान अपने मकाम पे, पर उसको सहल आसान बनाने के लिए तफसीर की मोहताजी है, हदीस का फैजान अपनी जगह मगर उसको सहल और आसान बनाने के लिए शुरुआत की जरूरत है। मुस्तफा का बेहिसाब फैजान है मगर उस फैजान को आसान बनाने के लिए मौला अली की हाय सुभान अल्लाह दादा तो फिर दस्तगीर है। आइए तवज्जो कीजिए,
भाई हजरत अल्लाह अकबर हजरत जाबिर की तो हंडिया में सिर्फ एक मर्तबा लुआबे दहन गया, वो हंडिया खत्म होने में नहीं आती। हुजूर के हजरत जाबिर की जनाबे वाला गूंदा आटा उसमें एक दफा लुआबे रसूल गया, वो आटा खत्म होने में नहीं आता। हजरत कतादा की आंख निकल गई हुजूर की खिदमत में, एक दफा हुजूर ने लुआब लगाया, फगा मज़ाइनहु बिराहतिन फकान ला यदरी अय अयन युसीबत। इमाम मुस्लिम ने अबू जल्ला पता ही नहीं चलता आंख निकली कौन है कौन सी है। अब्दुल्ला इब्ने अतीक हड्डी टूट गई, ये पिंडली टूट गई, एक दफा लुआब लगाया पता ही नहीं चलता पिंडली टूटी कौन सी है। आमिर बिन कुरैश सहाबी रसूल जिनकी जुबान में एक दफा मेरे नबी ने अपना लुआब टपकाया, उन्होंने हुजूर का लुआब नोश किया, वही हजरत आमिर बिन कुरैश जहाँ थूक दे वहाँ पानी का चश्मा जारी हो जाए। अरे आमिर बिन कुरैश जो है एक दफा थूक दे, जिन्होंने सिर्फ एक दफा मेरे नबी का लुआब चूसा वो जहाँ थूक दे पानी के चश्मे, ओए जिस मेरे अब्दुल कादर जिलानी ने सात मर्तबा मेरे नबी का लुआब चूसा कौन कौन से चश्मे जारी होंगे। उस चश्मे का नाम मोइनुद्दीन है, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी है, उसी चश्मे का नाम जनाबे वाला सिलसिले सुरवत रूहानी पेशवा सोरवर्दी है। ये काजरियों में फैजान, ये नक्शबंदियों में फैजान, सोरवर्दियों में फैजान, नक्शबंदियों में फैजान, ये लुआबे रसूल की बरकत है जो क्या क्या दस्तावेज। और हम में सवाल से बड़े खुश नसीब और खुशबख्त हैं, अल्लाह ने उन औलिया की नस्बत अता फरमाई है जहां न अकीदे में डंडी है, भैया तो मत कर दे भेजना सगीरा लाहौरी कंटेनर आके बक बक करता है सिंध में। मैंने कहा बाला कंटेनर अपनी औकात में रह, हर सहाबिये नबी जन्नति जन्नति, हर सहाबिये नबी भैया तो मत, हर सहाबिये नबी वाह वाह जो कर रहे हैं ये हर सहाबी नबी जन्नति जन्नति के पीछे पता है कितनी कुरान की सपोर्ट है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 भी है, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 103 भी है, और जनाबे वाला सूरह तौबा की आयत नंबर 100 भी है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 भी है। वाह आयात हैं और हदीसों का तो शुमार ही नहीं है। वाह लेकिन इधर आके सुई अटक जाती है, नहीं बाकी तो ठीक है पर अमीर मुआविया के मुतल्लिक जो है ना वो तबीयत में खराबी पैदा हो जाती है। तो मैं क्या ख्याल है चंद बातें कर न लूं, मैं बतौर चैलेंज ये कहता हूँ इस धरती पे अगर किसी को इल्म की हवा लगी है रेफरेंस सुने, जज्बाती नहीं रेफरेंस सुने, क्या सबसे पहला सवाल ये है, इसको कम कर दें भाई ज्यादा शोर ना है, ये बड़ी खास रिकॉर्डिंग है इसको जरा महफूज कीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये है क्या हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं कि नहीं। भाई मेरे कहने से क्या है, मेरे कहने से नहीं, आइए बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 531 हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा मेरे नबी के आले बैत में से हुजूर के सगे चचा के बेटे, उनसे गुलाम ने अर्ज की हुजूर अमीर मुआविया वितर की एक रकात पढ़ते हैं आप तीन पढ़ते हैं, तो जवाब इसी बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 531 में मौजूद है, इन्नहु फकीहुन वो फकीह हैं मुज्तहिद हैं उनकी मर्जी एक रकात पढ़ें या तीन पढ़ें, जवाब बाद में दिया पहले क्या फरमाया दाहु फइन्नहु कद सहिबा रसूलुल्लाह, फरमाया ओए अमीर मुआविया पे इतराज न कर वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। अच्छा बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 531 सहाबी साबित हो गए, अब सहाबी के मुतल्लिक हुक्म क्या है जामिउ तिर्मिज़ी मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़्दी अबगदहुम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, जो मेरे किसी सहाबी से मोहब्बत करता है उसके दिल में मुझ मोहम्मद का प्यार है, जो मेरे किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखता है उसके दिल में मुझ मोहम्मद का बुग़्ज़ है। सहाबी होना भी साबित,
और सहाबी की मोहब्बत फर्ज, ये भी साबित। अब आइए, क्या अमीर मुआविया जन्नती हैं कि नहीं? आइए जरा बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 410। मेरे नबी ने फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यगज़ून अल बहर फकद औजबू। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो समंदर पार सबसे पहले जिहाद करेगा लश्कर, उस पर जन्नत वाजिब है। अब रखो इनके सर पे कुरान के समंदर पार सबसे पहले जिहाद करने वाला कौन है, सबसे पहला बहरी बेड़ा बनाने वाला कौन है? हजरत उस्मान गनी के दौर में वो हजरत अमीर मुआविया थे। तवज्जो करना, इसी बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 410 का हाशिया पढ़िए। सारे बुखारी इमाम कुतरानी फरमाते हैं, इससे बढ़ के अमीर मुआविया की और क्या मदह सना है कि मुस्तफा की जुबान से उन पर जन्नत वाजिब है। और आगे चलिए, सुनन सईद का रेफरेंस पेश कर रहा हूँ, सुनन सईद बिन मंसूर का रेफरेंस, और इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा किताब मुसन्नफ का रेफरेंस पेश कर रहा हूँ। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, हजरत अबू अमर ताबी रसूल हैं, हजरत अबू अमर ताबी रसूल हैं, वो फरमाते हजरत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल, हजरत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल, वो फरमाते मैं हर वक्त मुतजस्सिस रहता था, इन्होंने आपस में जंगें की हैं, इनका अल्लाह ने क्या किया तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह इनका मुझ पर हाल खोल दे, तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजह करीम एक जन्नत में तख्त है, उस पर बैठे हैं मुहिब्बीन भी साथ हैं। मैंने कहा आपने तो एक दूसरे को कत्ल किया, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने हम पे करम फरमाया। कहा जिन्होंने आपके साथ जंग की वो किधर हैं? कहा जरा मुड़ के दे, हजरत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल जो ताबी भी हैं और जनाबे वाला अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह भी हैं, वो फरमाते जब मैंने मुड़ के देखा उसी तरह का जन्नत में तख्त बिछा हुआ है, अमीर मुआविया भी मौजूद हैं, साथ मुहिब्बीन भी मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने हमारी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी। तीसरा रेफरेंस जनाबे वाला अल बिदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं जो इस सदी के पहले मुजद्दिद हैं और ताबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर देखा मुस्तफा ने फरमाया अली को बुलाओ, अली ये दरवाजा बंद। कहा मुआविया को बुलाओ, मुआविया ये दरवाजा बंद। थोड़ी देर के बाद मौला अली निकले, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे हक में फैसला हो गया। अमीर मुआविया फरमाया अल्लाह की कसम मेरी बख्शिश हो गई, फिर आप पीछे क्या निकालते हैं? अब आइए, यही अलविदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द, और हजरत जनाबे वाला मोहम्मद बिन सेरीन वो भी ताबीए रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब हजरत अमीर मुआविया का आखिरी वक्त आया, आप अपने ये रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और इत्तकुल्ला की सदाएं देते थे, ये अदाएं बताती हैं कि उनका खात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत हुआ है। आप आ जाइए आगे कि जिन्होंने मौला अली से जंग की, रखो सर पे कुरान, उनको मुस्तफा ने मुसलमान कहा या काफिर कहा? आइए मुसनद अहमद पढ़िए, आइए मुस्तदरक अलसयान पढ़िए, एक हवाला गलत हो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। किसी जिद नहीं है, इनाद नहीं है, जंग नहीं है, झगड़ा नहीं है, इररिलेवेंट जुमला नहीं है, बाजारी जुबान नहीं है। हवाले पेश कर रहा हूं, नोट करते जाओ। मुस्तफा ने उनको क्या कहा, काफिर कहा या मुसलमान कहा? मुसनद अहमद की हदीस है, मुस्तदरक अलसयान की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में एक वो है जो मुसलमानों के साथ जंग करेगा। अबू बकर पाक अर्ज करते हैं यार मिले में, फरमाया नहीं। हजरत उमर अर्ज करते हैं यार मिले में, फरमाया नहीं। का कौन? और मैं वो जो जूते गांठ रहा है, देखा तो मौला अली जूते गांठ रहे थे। तो जिन्होंने मौला अली से जंग करनी थी, मुस्तफा ने उनको काफिर नहीं कहा, मुसलमान कहा। अब आइए बुखारी शरीफ, बतौर चैलेंज ये हदीस पढ़ रहा हूँ, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ये मेरा हसन बेटा, ये मेरा सरदार बेटा है। आज जारी शरीफ बंद करो, क्या कर रहे हो? विशल बंद करो इसकी, मेरा सरदार बेटा, मेरा सरदार बेटा, ये बुखारी और मुस्लिम है। मेरे नबी ने फरमाया इन अपनी हाजा सैयदुन लल्लाह आयुसरी हबीबी बैठे बैन अलफियातैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हसन, ये दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। आज के सैयदों को हम सैयद कहते हैं ना, मौला हसन को मुस्तफा ने खुद सैयद कहा। ये दो गिरोह के दरमियान, और वो गिरोह कौन है? बैनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब अपने ईमान से बताओ, जिन से मौला हसन ने सुलह की, इन्होंने मौला अली से जंग की, इनको मुस्तफा ने मुसलमान कहा या काफिर कहा?
सुभान का आना। दूसरी बात ये करता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ ये सच्चे सैयद हैं, इसलिए कि सच्चे सैयद सैयदों के इमाम मौला हसन ने बता दिया, और सच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और फिर मौला हसन वो सच्चे सैयद हैं जिन्होंने उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ा है, तोड़ा नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी गर्दन पे ओए बाला कंटेनर, तेरी गर्दन पे पांव रख के बात करता हूँ। जो करना मैं कहता हूँ, अगर अमीर मुआविया मौला अली हक के इमाम थे, खलीफे राशिद थे, उनके खिलाफ लड़ने वाला तो दारे इस्लाम से खारिज होना चाहिए। वो बागी वाली रिवायत पढ़ते हो ना, अम्मार बिन यासर को मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, अगर बागी इस्लामी मानों में है रखो अपने सर पे कुरान, ये सारे काफिर हुए कि नहीं। लुगवी एतबार से, लुगवी एतबार से बागी कहा गया, इस्तिलाई मानों में बागी नहीं। अगर इस्तिलाई मानों में बागी होते तो मौला हसन पे फर्ज था, आज के मौलवी पे फर्ज है, कुछ सामने गलती करे उसको टोके ये तेरा जुर्म है। और मौला हसन जैसे हक के इमाम हो, और जनाब वो जंग करने वाले अगर इस्तिलाई मानों में बागी होते, मौला हसन कहते पहले कलमा पढ़ो, पहले कलमा पढ़ो। देखे खलीफे राशिद के खिलाफ उन्होंने लड़ा, अगर बागी इस माने में है कि दारे इस्लाम से खारिज हो गए, खलीफे राशिद के खिलाफ बगावत की तो दारे इस्लाम से खारिज हो गए, तजदीद इस्लाम तजदीद निकाह दोनों लाजिम है। मुझे बताओ इमाम हसन ने सुलह भी की, बैत इताअत भी की, खिलाफत भी तफवीज की, कलमा पढ़ने का क्यों नहीं कहा, तौबा करने का क्यों नहीं कहा, रुजू करने के लिए क्यों नहीं कहा। गोया मौला हसन भी जानते थे ये मुसलमान हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं, दारे इस्लाम से खारिज नहीं हुए। तो जनाब जिनसे जंग हुई उनको मुस्तफा ने भी मुसलमान कहा। अब अगली बात करता हूँ, रखो सर पे कुरान, मौला अली का फरमान हो मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। मौला अली बताइए जो आपके साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चला गया उसके मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं। तबरानी शरीफ की हदीस है, मौला अली फरमाते हैं कतलाया व कतला मुआविया फिल जन्ना, जो मेरी तरफ से कतल हुआ वो भी जन्नती, जो मुआविया की तरफ से कतल हुआ वो भी जन्नती। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी मौला, तवज्जो तवज्जो फोकस रहे मेरी तरफ, मौला अली खुद उनको जन्नती करार दे रहे हैं। भाई बात ये है कि लड़ते लड़ते मौला अली के साथ जो शहीद हो गए वो जन्नती कैसे हो गए, वो इसलिए हो गए कि मौला अली भी जानते थे कि ये जंग अज़रुए इनाद नहीं है, अज़रुए इज्तिहाद है, ये इज्तिहादी जंग है, बस इतना सारा जनाबी वाला मामला है। हाँ यजीद की वजह से अगर अमीर मुआविया को मतून करते हो, या जनाबी वाला बदमाशियां करते हो, जुबान तान दराज करते हो, या कोई हजरत सराई से काम करते हो, मैं कहता हूँ रखो अपने सर पे कुरान। यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया पे ताना जनी करते हो ना कि बाप ने तरबियत ऐसी की थी, तो मैं पूछता हूँ हजरत आदम क्या नबी थे कि नहीं, जी थे, उनके दो बेटे थे कि नहीं, थे, भाई ने भाई को कत्ल किया तो हजरत आदम की तरबियत पे सवाल उठेगा। हर सहाबी नबी आदम अलैहि सलाम की तरबियत पे सवाल उठेगा, बोलिए नहीं उठेगा। अगली बात करता हूँ, अगली बात करता हूँ, नूह अलैहि सलाम का सगा बेटा था, नूह अलैहि सलाम ने तबलीग की या नहीं की, तकदीर में नहीं लिखा था। अब नूह अलैहि सलाम पे इतराज हुआ कि इनके बेटा मुसलमान नहीं। मैं इससे भी अगली बात करता हूँ, यजीद का बेटा कौन था, मुआविया बिन यजीद, मुआविया बिन यजीद, और मुआविया बिन यजीद रजी अल्लाह ताला नु आम बंदा नहीं है। ओए बाला कंटेनर, तू अपने आप को चिश्ती कहता है बेगैरत, सैयदों पे बकबक करता है, पढ़ वहदतुल वजूदियों के मुहयुद्दीन इब्ने अरबी को पढ़। मुहयुद्दीन इब्ने अरबी ने 73वें बाब में ये बात लिखी है, जिनको किबले आलम पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनको शेख अकबर का टाइटल देते हैं। मुहयुद्दीन इब्ने अरबी ने फतुहात मक्किया के 73वें बाब में लिखा कि कुछ औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं जिनको जाहिरी खिलाफत से नवाजा जाता है, कुछ होते हैं जिनको बातनी खिलाफत से, कुछ वो होते हैं जिनको जाहिरी और बातनी दोनों खिलाफत। भाई खामोश हो जाए, जिनको दोनों खिलाफतों से माला माल किया जाता है, कहा जिसको, ये बड़ी खास बात है, खास बात है। मुहयुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं वो वली जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा, उनमें पहले नंबर कौन है, कहा सिद्दीक अकबर है।
और दूसरे उमर है, तीसरे उस्मान है, चौथे अली है, पांचवें हसन है और छठे उमर बिन अब्दुल अजीज है, सातवें मुआविया बिन यजीद है। मुहयुद्दीन इब्ने अरबी पर फतवा। वाह, तो मैं कहता हूँ आज तो कोई काउंसलरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यजीद का वो बेटा ऐसा अल्लाह का वली निकला जिसने 44 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत ठोकर मार दी कि मेरा बाप आले बैत का कातिल है, ये मेरा बाप लंती यजीद आले बैत का कातिल है, मैं इस तख्त पे भी नहीं बैठता। मैंने कहा कम अज कम मुआविया बिन यजीद का उर्स तो तुम्हें मनाना चाहिए ना, उससे बढ़ के आले बैत का मुहिब कौन होगा जिसने इतनी बड़ी सल्तनत ठुकरा दी। अब बताओ अगर हजरत अमीर मुआविया को टारगेट करते हो कि यजीद की उन्होंने यूं तरबियत की, तो मैं पूछता हूँ यजीद ने अपने बेटे की तरबियत कैसे की होगी। वाह माशाल्लाह, क्या इतराज करोगे, तकदीर गालिब होती है। इसलिए ये सहाबा के देखो एक बात अच्छी तरह समझ लो, जंगें हुई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखो हजरत मौला अली भी मुज्तहिद हैं डिसीजन मेकर हैं, हजरत अमीर मुआविया भी मुज्तहिद हैं डिसीजन मेकर हैं, हजरत मौला अली ने भी डिसीजन लिया, अमीर मुआविया ने भी डिसीजन लिया कि शासी उस्मान पे, और हजरत मौला अली का डिसीजन दुरुस्त मबनी पर सवाब, इस सवाब ये गुनाह सवाब वाला सवाब नहीं, ये साद वाला सवाब है, यानी दुरुस्त वाक्य होना, और हजरत अमीर मुआविया का जो इज्तिहाद है वो मबनी पर खता है, और इस खता ये गुनाह वाली खता नहीं है, ये इत्यादि खता है, इसलिए भी एक अजर दिया जाएंगे। अब मैं पूछता हूं अमीर मुआविया ने जो मुतालबा किया कि शासी उस्मान का वो गलत था या ठीक था, गलत था या ठीक था, रखो अपने सर पे कुरान, लकद रदी अल्लाहु अल मुमिनीन जुवायुन लकद अख्ता शजरा, ये आयत पढ़ो भाई, इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मेरे नबी जिन्होंने तेरे हाथ पे बैत की मैं इनसे राजी हो चुका, बैत क्यों हुई थी, हजरत उस्मान गनी के मुतल्लिक मशहूर हो गया था कि उन्हें शहीद कर दिया गया, हुजूर ने फरमाया मैं उस्मान का बदला लूंगा, बैत करो, मौला अली ने भी बैत की, अबू बकर उमर ने भी बैत की, अब जब बैत हो चुकी तो बैत क्यों की, अफवाह फैली, अरे हजरत उस्मान के कत्ल की अफवाह फैले उसका बदला लेने के लिए मुस्तफा बैत ले, तो जब सच मुझ शहीद हो गए तो फिर उसका बदला लेने का ये हजरत अमीर मुआविया ने जो स्टैंड लिया ये दुरुस्त था, और किसास के मुतालिक तो कुरान कहता है, हजरत अमीर मुआविया का मुतालबा भी दुरुस्त था, हजरत मौला अली ने इनकार भी नहीं किया, हजरत अमीर हजरत मौला अली इस्तेहकाम खिलाफत को तरजीह दे रहे थे, अमीर मुआविया किसास उस्मान को तरजीह दे रहे थे, और ये सरासर जंग इज्तिहादी थी, इनादी नहीं थी। अब जरा तवज्जो करना, जो कहते हैं जो मौला अली से लड़े जानवी, मैंने कहा अच्छा मौला अली के भाई कौन थे, हजरत अकील थे, मैंने कहा हजरत अकील आले बैत से हैं कि नहीं, यही हजरत अकील हैं जिनके चार बेटे करबला में, मुस्लिम बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफर बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, ये करबला में शहीद हो रहे, ये मेरे मौला अली के सगे भाई आले बैत हैं कि नहीं, रखो सर पे कुरान, ये जंगे सिफीन में किस तरफ थे, अमीर मुआविया की तरफ थे, हजरत अबू हुरैरा किस तरफ थे, अमीर मुआविया की तरफ थे, अच्छा अशरफ मुबशरा के नाम आते हैं कि नहीं आते, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, मैं कहता हूँ रखो सर पे कुरान, ये तो वो जन्नती हैं जिनके जन्नती होने की मोर मुस्तफा ने लगाई, क्या इन्होंने मौला अली से जंग नहीं की, हजरत साद सॉरी हजरत तलहा और हजरत जुबैर इनको भी जहन्नमी कहोगे, फिर अबू मूसा अशरी कहां खड़े हैं, अबू मूसा अशरी भी हजरत अमीर मुआविया की तरफ से खड़े हैं, मुसनद अहमद की रिवायत करो मेरे नबी ने फरमाया इन्नहु मुमिनुन मुनीबुन, ये तो वो मिन है जो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू रखता है, अमर बिन आस किस तरफ खड़े हैं, वो भी अमीर मुआविया की तरफ से खड़े हैं, मुसनद अहमद की रिवायत पढ़ो मेरे नबी ने फरमाया हशाम बिन आसरी और जनाबे वाला अमर बिन आसरी दोनों हकीकी मोमिन है, मुस्तफा उनको मोमिन कहे, तुम फतवा लगाओ तो ये जंग इज्तिहादी थी, इनादी नहीं थी। अगली बात मैं अर्ज करूं, जो बंदे ये समझते हैं कि हम शायद मौला अली के मुकाबले समझते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, मौला अली कहां, अमीर मुआविया कहां, हम तो सहाबी होने की वजह से उनकी इज्जत करते हैं, मैंने कहा दो चीजों से अमीर मुआविया के मुतल्लिक जरा दिल की तख्ती पे लिख लो, वाह मुझे इससे गर्व नहीं, कोई रानी का पीर हो या राजा का पीर हो, दिल पे लिखो ये बात, तवज्जो करना, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से दो चीजों से साफ इनकार और दो चीजों पे इसरार, साफ इनकार किससे है, जरा तवज्जो करना, साफ इनकार किससे है, ना मौला अली की बराबरी ना मौला अली से फजीलत,
अब्दुल अजीज पढ़ लो। हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया आप अफजल के मौला अली अफजल, अमीर मुआविया पाक फरमाते हैं तू मुझसे पूछता है कि मैं अफजल के अली अफजल, अमीर मुआविया पाक फरमाते हैं अल्लाह की कसम जो मौला अली ने अपने हाथों से खत लिखे है ना वो सिर्फ मुझ मुआविया से अफजल नहीं है, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। वाह, इससे बढ़ के मौला अली की शान क्या है? तो ये बराबरी भी और तफसील इससे साफ इनकार। हाँ, दो मामले पे इसरार, यही आले सुन्नत का शियार, बहसियत सहाबी उनका दिफा जो कि बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 531 पे खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने किया। तो उनका दिफा करना बहसियत सहाबी, ये भी आले बैत का काम है। और दूसरा बहसियत सहाबी उनकी अजमत शान बयान करना, कहते हैं उनकी दुनिया शान में हदीसें घड़ी गई हैं। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? हमें तो आला हजरत ने 100 साल पहले बताया, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इबहामैन, उठाओ कहा हजरत हाफिज खलीली और हाफिज इरशाद के बकौल मौला अली और आले बैत के लिए 3 लाख हदीसें राफियों ने घड़ी और नासबियों ने और खारजियों ने अमर बिन आस और अमीर मुआविया के मुतल्लिक हदीसें घड़ी, दोनों तरफ से घड़ी गई। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस पे नगद लगाया कि हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक हदीसें घड़ी गई और जो घड़ी हुई है वो बयान नहीं की, जो घड़ी हुई है वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फजाइल सहाबा के अंदर अमीर मुआविया के फजाइल का पूरा बाब दर्ज करके नकल भी की। अल्लाहुम्मा अल्लिमहु किताब वल हिसाब वकिल अज़ाब, ए अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म दे, हिसाब का भी इल्म दे और अमीर मुआविया को दोज़ख से दूर रख, ये भी उनके जन्नती होने की निशानी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सामने नज़ीर इत्तिशाम, बात बहुत तवील हो गई है, मगरिब का टाइम भी जा रहा है, मैं इसी पे इक्तफा करूंगा। इस आस्थाने से जुड़े रहो, अल्लाह की कसम आप खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो सादात आपको अता फरमाए हैं जो एक इंच भी अकीदे से इधर उधर नहीं होते। और मुझे अमल की जरूरत नहीं, जिस साहबजादे को देखो तुम्हें इमाम शरीफ भी नजर आएगा, तुम्हें मुस्तफा की सुन्नत भी नजर आएगी। वाह वाह। और मैंने कहा वाला कंटेनर, ये तो तू मान गया ना कि गौस पाक के नाम पे बड़ी ग्यारहवीं, ये तो मान गया कि सिंध में बड़ी ग्यारहवीं नहीं होती। हां हां भैया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں بہت شکر گزار ہوں سید گل احمد شاہ صاحب کا کہ جن کے حکم پر اس خوبصورت محفل میں حاضری ہوئی، اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین آمین. عبد القادر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی دعوت پر اس خوبصورت محفل میں حاضری ہوئی، اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ صاحب کی فرمائش ہے کہ صحابہ کرام کی منقبت سے آپ اپنی حاضری کا آغاز لیں، تو انشاءاللہ منقبت سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا. صحابہ صحابہ، اب صحابہ والا سیدھے ہاتھ کو بلند کر کے بولے ہمارے صحابہ. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ سب نے کہنا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو، ہر صحابی نبی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی.
जन्नती घर सवाबी गे नबी जन्नती जल्दे सुनियो सुनना सुनियो सुनना कलाम मैं सुनावांगा उमर दर्द वे सहाबा दे सुनावांगा आगा मैं दर्द वे सहाबा दे सुनावांगा ओ कोई जन्नता है जन्ने हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के हर बंदा बोले ओ कोई चंदता है जल कोई चंदता है जल कोई चंदता है जल कोई चंदता है जल मैं जलावांगा तेरे तबे सहाबा दे सुनावांगा हागा मैं तेरे तबे सहाबा दे सुनावांगा सोने नबी दे सारे सहाबा बिचों चार बड़े सोने बंदा चार को इशारा करके बोले चार बड़े सोने चार बड़े सोने ओ मैं ते नारा 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 मैं ते नारा दखे चार यार लगा ओ मैं दर्द बे सहाबा दे सोना बंदा हवा मैं दर्द बे सहाबा दे सोना बंदा काले तेरा कीदा धोखे बाजे काले तेरा कीदा धोखे बाजी ओ मैं कुरान खोल खोल के सुनावांगा ओ मैं कुरान खोल खोल के सुनावांगा ओ मैं दिल के दे सहाबा दे सुनावांगा आगा मैं दिल के दे सहाबा दे सुनावांगा हर सहाबी के नबी जन्नती आपने कहना है हर बंदा सीने का जोर लगा के बोले हर सहाबी के नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी के नबी जन्नती जन्नती सहाबा सहाबा हमारे सहाबा नबी चांद गए हर सितारे सहाबा हर सहाबी के नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी के नबी जन्नती जन्नती जमाने में अगर देखी से पाक से मोहब्बत करने वाला बोले सुभान अल्लाह तो शाने का दरी देखे नबूवत के गुलस्तान में विलायत की कली देखे हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी दयार पास क्या देखा मदीने की गले देखे बोलो या बंदा बोले या बगदाद ने जिस पे एक नजर डाली बना हर काम उसका हो गए सब दूर बदहाली मेरे वासिल बना की शान गए क्या शान गया जन्नत में जाने से फरिश्तों रोकते क्यों वो मुझे जन्नत में जाने से क्या तुमने देखा नहीं ये देखो हर बंदा सीधे हाथ को बुलंद करके बोले ये देखो हाथ में दाब है किसका आवाज बता दामन पे लिपटूंगा अब
मोबाइल जो लाइट मारो मोबाइल जो लाइट बच्चे बता दूंगा के यो छुपा दूंगा हौसे आजम का बोल जारी जा उमर के दुश्मन जारे 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 जा उमर के बागों पे होंगे नाराजी पूछागे नबी को या फिर मौलाले जारे जा हर बंदा बोले जारे जा उमर के दुश्मन जारे 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 जा मासूम नबी ने हाथ उठाए उमर के रुक में यूं समझाए अब है जरूरी या मेरे अल्लाह लश्कर में अब एक उमर भी आए उमर उमर आपने कहना है फिर रब भिजवा दे फिर रब भिजवा दे उमर उमर काबा खुलवा दे उमर उमर दम मस्त कर उमर उमर दम मस्त कर उमर दम मस्त कर उमर उमर दम मस्त कर उमर संभाल कर रखो ये फिर तुम्हारे संभाल कर रखो ये फिर तुम्हारे हुसैन भी हमारे उमर भी हमारे भैया तमाम जगत भेद सगीरा गुलाम मुस्तफा ने नमाज के बाद में वरी पढंदा दादा जो भेद दस्तगीर बस बना तू थी पो इंशाल्लाह दुआ थी अदा ते सिफु सिदी जो ਆਜੇ ਸਿੱਫੂ ਵਧੋ ਜਲਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਫੂ ਵਧੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੇ ਸਿੱਫੂ ਵਧੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਿੱਫੂ ਵਧੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਇਦਾ ਸਭ ਸਿੱਫੂ ਵਧੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ